जय दोस्तों, मैं सनी सर आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बोले दर्पण से परावर्तन दो वीडियो डाल चुके हैं इससे पहले, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देखिए, सीरीज के रूप में देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे उसका मास्टर बन जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, गोली दर्पण से परावर्तन पढ़ा रहे हैं। दो दो आज क्लास कितना है, क्लास थ्री है, क्या है थ्री डी हमारा है, क्लास कितना है तीसरा दिन है, दो वीडियो पहले डल चुका है उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग सीखेंगे आज, हम वक्रता केंद्र देखेंगे, आगे दर्पण पार देते हैं फिर देखेंगे, ईजी हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमको लेना है बीपीएससी में, बिहार एसआई में, या किसी भी रेलवे में, या किसी भी एग्जाम में, तो इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन तो सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, सीख लेंगे थोड़ा बहुत, बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दर्पण हमारा मान लेते हैं, क्या है हमारा दर्पण है, क्या है बहादुर दर्पण हमारा है, क्या है हमारा दर्पण है, सीखेंगे सीख लेंगे। ये हमारा क्या है दर्पण है, कौन सा दर्पण है समझिए, ये हमारा दर्पण है, ये पूरा दर्पण है, ध्यान देंगे सीखेंगे। दर्पण हमारा है जो क्या, कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, ध्यान देंगे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण ध्यान देंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं, ध्यान देंगे इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहेगा, इसी को रहेगा, इस पार्ट में रहेगा, ये भी ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, क्योंकि समझाना है इसलिए मोटा बनाना है, इसके पीछे रीजन है मोटा बनाने का, ध्यान रखेंगे कहीं क्यों बनाते हैं, ऐसे बना हुआ है मोटा शीशा है, मतलब ध्यान रखेंगे मोटा है, इधर रंग कलाई किया हुआ है, इधर क्या हो कलाई किया हुआ है, इधर रंग वही क्या उसका दर्पण है उत्तल दर्पण, पहले बता दिया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसको कहते हैं, इसको एक नाम है अवतल दर्पण बोलते हैं, या कनकेव, कनकेव दर्पण बोलते हैं, कनकेव मिरर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उत्तल, क्या बोलते हैं कन्वेक्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं आप सारी बोलते हैं, बताए वो सब है। तो सीखेंगे यहाँ पर कितना इजी होगा जो, ठीक है, दर्पण की जो मोटा है, दर्पण की मोटाई, दर्पण की मोटाई ध्यान देंगे, दर्पण मोटा ही, दर्पण की मोटाई इसको क्या है, दर्पण की मोटाई है, दर्पण की मोटाई बोल सकते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्वारक, यानी पूछेगा कि द्वारक किसको बोलते हैं, द्वारक की अपर्चर किसको बोलते हैं, तो दर्पण ध्यान देंगे सीखेंगे, दर्पण की मोटाई, दर्पण की मोटाई, दर्पण की मोटाई या चौड़ाई बोल सकते हैं, दर्पण की मोटाई या चौड़ाई क्या बोलेंगे द्वारक, पूछता है क्वेश्चन द्वारक किसको कहते हैं, पहला बन जाके बाद सीखें, तो दर्पण मोटा है जो मोटा है, आप ध्यान देंगे कि दर्पण गोल होगा, इसे सटा देंगे तो गोले ना बनेगा, गोल बन जाएगा, तो गोल भी बिंदु है, यहाँ से ले लिए इसको ऐसे पढ़ करके घुला देंगे तो गोल बन जाएगा, खोखले गोला से बना है, तो ध्यान देंगे यहाँ से दर्पण, ध्यान देंगे दर्पण यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है, यानी यहाँ पर क्या पोल हो, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्यान देंगे ध्रुव किसको बोलेंगे, ध्रुव या पोल किसको बोलेंगे, तो दर्पण के मध्य बिंदु सीखेंगे बहादुर, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, देखिए यहां से यहां बीच वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं सी है, यानी देखिए दर्पण गोली खोखले गोला है, खोखला गोला ना है, इसको बंद कर रहे हैं, खोखले गोलों के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु को, खोखले खोखले गोले के दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, खोखले गोलिये गोलिये दर्पण के, गोलिये दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता इसको आगे आगे क्वेश्चन आएगा ध्यान देंगे, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो गोलिये दर्पण के मध्य बिंदु के, गोलिये दर्पण, गोलिये दर्पण के, गोलिये दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ध्यान देंगे अभी ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ है, तो ये देखो यहाँ सी हो गया, ये सी है या का पी है, ये जो अक्ष बनता है, जो रेखा बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो ध्यान देंगे प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे, सिखा रहे हैं अभी थोड़ा सा, फिर आगे बताएंगे, प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, तो ध्यान देंगे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाता है, तो दर्पण ध्यान बता समझ लीजिएगा, दर्पण के ध्रुव पोल है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, ध्यान देंगे, अच्छा प्रधान तो अच्छा हो गया, अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे
दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। तथा अगला क्वेश्चन, ये तो प्रधान अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? ध्यान देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? ये ध्यान देंगे, त्रिज्या का मतलब क्या होता है? जिस यह ऐसे अगर घुला देंगे दर्पण बन जाएगा, गोल बन जाएगा, इसको यही नहीं त्रिज्या हो गई, त्रिज्या त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है बात। तो हम क्या बोलेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या हम बोलते हैं, त्रिज्या। समझ में आ गया? आप ध्यान देंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच जो पार्ट है इसको मुख फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख फोकस, यानी मुख फोकस बोलते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के बीच के बिंदु को भाग को क्या बोलते हैं? मुख फोकस बोलते हैं। इसको स्मॉल ऑफ से सूत्र किया जाता है, इधर एफ होगा तो इधर भी दोनों दूरी बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सूत्र करते हैं आर से करते हैं, ध्यान किससे करते हैं? यहाँ से आर सूत्र करते हैं, यानी आर बराबर होगा एफ प्लस एफ होगा। आर बराबर क्या होगा हमारा? आर बराबर हम बोल सकते हैं एफ प्लस एफ प्लस, यानी आर बराबर क्या बोल सकते हैं? टू एफ बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको आर से सूत्र किया जाता है, किससे सूत्र करते हैं? आर से करते हैं, पूरा पार्ट को आर से। बोल सकते हैं कि वक्रता जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगना होता है, बोल सकते हैं, क्योंकि आर बराबर क्या है? टू एफ है। वो वक्रता जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी के, अब फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको लिखा एफ बराबर क्या करते हैं? भागा जाएगा तो क्या होगा? आर बटा टू हो जाएगा, आर बटा टू होगा ना। इसको बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। याद होना चाहिए, इतना याद हो जाना चाहिए आपको। आप बता दिए कि मुख फोकस किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, समझ में आ गया। अपरेचर किसको कहते हैं? दर्पण की मोटाई अपरेचर कहलाता है। इस पर हिसाब देता है, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या मुख फोकस ऐसे बोल सकते हैं, फोकस दूरी बोल सकते हैं, मुख फोकस बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है? आर बटा टू एफ होता है, तो 20 × 40 हो जाएगा। अगर 10 मान तो 20 होगा, 20 मान तो 40 हो जाएगा। अभी ऐसे दे देगा, यदि ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात करें। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा टू। क्या होता है? ए बराबर होता है आर बटा टू। कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना? 2 का मतलब 10 हो जाएगा। हिसाब बन जाएंगे, एक हिसाब बता देते हैं थोड़ा सा, फिर बंद करते हैं, आगे फिर चलेंगे। चलो भागराज जी बताएंगे फिर इसे कितना बीम बनेगा जो बताएंगे। क्वेश्चन देता है बीपीएस में, ध्यान रखने बाद डरना नहीं है। क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सीखेंगे। वक्रता त्रिज्या मान लो कि 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी किसको बोलेंगे? मुख फोकस। देख लेंगे फोकस दूरी किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। देखिए ये भैया मुख फोकस, ये मुख फोकस है, ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, बीच से तो फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका फोकस दूरी एकदम बीपीएससी में आता है, ध्यान रखें, किसी रेलवे भी क्या भी आता है, नहीं जब थोड़ा सा नहीं जानता विद्यार्थी डर जाता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, पढ़े हैं आर बाई टू, यानी कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना हो जाएगा? 20 बटा 2 के मतलब कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसको ऐसे कर देगा, एक क्वेश्चन और देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और फिर छोड़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ये खोखले गोले या ऐसी भी देगा, गोलीय दर्पण भी दे देगा एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखो तो फास्ट पढ़ा रहे हैं, राइटिंग इसे नहीं मान रहा, ऐसा मत जाए लिखे संचर चिलड़ नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? वक्रता ये फर आर बराबर क्या होता है? आर बराबर टू एफ होता है, ये नहीं पढ़े हैं, तो 2 × f रख देंगे कितना? 20 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज इतना ही, बहुत छोटा वीडियो बना लेंगे, भारी महत्वपूर्ण बताएं। आगे हम बताएंगे, क्या बताएंगे? कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है कल के वीडियो में, कैसे दर्पण से एकदम इजी हो जाएगा, सबके सब इजी होगा, फिर से समझ लीजिएगा।
दर्पण की मोटाई क्या होगी, प्रेशर कहलाता है, द्वारा कहलाता है। मुख फोकस शिशु बोलते हैं, समझ गए, मुख फोकस बोलते हैं, मुख फोकस शिशु बोलते हैं। तो दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के जो बीच का बिंदु उसको क्या बोलते हैं, मुख फोकस बोलते हैं। अथवा परिभाषित कैसे करेंगे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद आपतित, ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसको मुख फोकस बोलते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं, देहादी लैंग्वेज में समझा दिया सारा चीज। और दोबारा एक बार नहीं समझ में आया वीडियो को दो बार देख लीजिएगा, अमेजी हो जाएगा। मिलते हैं फिर कल, पक्का देखिएगा, खासकर बीपीएससी दरोगा वाले। जय हिंद, जय भारत।